वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। देखिए, कुछ मैंने मोती वाली लेस ली है और कुछ मैंने प्लेन लेस ली है। तो देखिए, ब्लाउज का साइज मैंने लिया है 14.5 इंच मैंने पूरा कट किया है लंबाई में, और ये हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज है। तैयार करेंगे तो 9 इंच आएगा, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। और देखिए, मुड्डे मैंने इसके 6 इंच लिए हैं और शोल्डर भी 6 इंच लिया है। मैंने अस्तर और ब्लाउज़ दोनों कट कर लिया है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं और उसके बाद ब्लाउज़ पर। तो देखिए, इसको हम बराबर से सेट कर लेते हैं। अभी हम इसमें मार्किंग करते हैं। देखिए, शोल्डर से 2.5 इंच ले लें। इसके बाद हम नेक जितना डीप आप पहनते हैं उस हिसाब से मार्किंग ले लेते हैं। मैंने ये 11.5 इंच में ले लिया है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, नीचे से ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ऊपर से सेम रहेगा। अभी हम इसकी शेप देते हैं। तो देखिए, इस तरह से अभी यहाँ से जो हमने लंबाई ली है वहाँ से 2 इंच तक ये ब्रॉड कर दिया है, और 2 इंच से हम इसमें गुलाई देते हैं। 2 इंच ऊपर से गुलाई दे रहे हैं हम यहाँ से। देखिए, इस तरह से नॉर्मल नेक में क्या है, नीचे से आके गुलाई देते हैं, इसमें हमने 2 इंच नेक से ऊपर लेके इसकी गुलाई कर दी है। और अभी हम सेम ड्राफ्ट में इसको कट कर लेते हैं। डिजाइन आएगी वो किस तरह से आएगी, देखिए, ये जो नेक है यहाँ से हम इस तरह से साइड फिटिंग जो है इस तरह से इसकी शेप देंगे डिजाइन की। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारी ये डिजाइन भी आएगी। तो देखिए, नेक हमने कट कर लिया है। अभी सिलाई का तरीका बताती हूँ। ब्लाउज को मैंने नीचे सीधा रख लिया है और देखिए उसके ऊपर अस्तर रख दिया है। अब ये हम ये नेक से लेके पूरा इसको स्टिच कर लेंगे। सेम नीचे भी कमर में फिनिशिंग दे लेंगे, यहीं से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद नेक को कट करके इसको पलट के इसकी फिनिशिंग देंगे। और उसके बाद फिर हमने जो ये कपड़ा लिया है, जो हमने ये पीस लिए हैं कपड़े के, तो देखिए आपको साइज़ बता देती हूँ। मैंने इस तरह के 2 ये पीस कट कर लिए हैं पट्टी, और इनका डबल फोल्ड करके साइज़ बता देती हूँ। तो देखिए, ये 14 इंच डबल फोल्ड में है। तो एक हमारी एक पीस की लंबाई 28 इंच है। इसी तरह मैंने 2 पीस लिए हैं। पहले हम दोनों पीसों को यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, और जॉइंट करने के बाद फिर हम उल्टा इसको यहाँ पर स्टिच डाल लेंगे। स्टिच डाल के इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम इसमें फ्रिल डाल के डिजाइन करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, स्टिच कर लिया, नीचे सीधा ब्लाउज रखा, इसके ऊपर अस्तर, और मैंने नेक में स्टिच डाल दिया है, और देखिए नीचे कमर में भी डाल दिया है, और जो नेक था इसको मैंने कट कर दिया है। और अभी इसको पलट देते हैं। स्टिच कर दिया है, जैसे प्लेट डालते प्लेट भी डाल दिए। ये पार्ट हमारा सेट हो चुका है। और देखिए, जो हमने ये पट्टी कट की थी, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने स्टिच डाल के इसको पलट दिया है, और पलटने के बाद मैंने इस तरह की प्लेट डाली है। कैसे डाली है वो आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमको 1/2 इंच की प्लेट इस तरह से लेना है, और यहाँ पर इस तरह से इस प्लेट को सेट कर देना है, यहाँ पर स्टिच डाल देना, फिर 1/2 इंच का लेना है, फिर स्टिच डाल देना है। तो इस तरह की प्लेट हमारी तैयार हो जाएंगी। तो ये मैंने तैयार कर ली है, और अभी हम इनको ब्लाउज में अटैच करते हैं, और उसके बाद फिर इसमें लेस से डिजाइन करेंगे। तो देखिए, जो ये फ्रिल जो हम लगाने वाले हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, इस तरह से पहले एक साइड में स्टिच कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड में करेंगे। तरफ स्टिच हो चुका है, और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से रख लेंगे। इसको थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे, एकदम टाइट नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से देख लें कि ये सेट हो जाए। टाइट होगा तो एकदम ये ऐसा खिंच जाएगा। तो आपको एकदम बराबर से सेट कर लेना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर भी बराबर से सेट हो चुका है, और मैं यहाँ पर स्टिच डाल देती हूँ। फ्रिल बनाई थी, तैयार कर दी है। अभी हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं, जो कि हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं इस तरह से। तो जो ये शेप आ रही है हमारी, इस शेप से लेके
इस तरह से नेक में ऊपर तरफ चला जाएगा, सेम दूसरी साइड में भी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये लेस अटैच करनी है। तो देखिए एक मोती वाली लेस ली मैंने और ये प्लेन ली है, तो दोनों लेसों को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए मोती वाली लेस हम नीचे की तरफ लेंगे और जो प्लेन लेस है हमारी गोल्ड कलर की ये ऊपर की तरफ आएगी। तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से नेक में अटैच कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर दूसरी लाइन आएगी वो यहाँ से जो हम मार्किंग की है इस तरह से ये ऊपर शोल्डर की तरफ चली जाएगी। तो सबसे पहले हम नीचे अटैच कर लेते हैं। नीचे भी लगा दिए दूसरे साइड में भी, और देखिए जो कमर है यहाँ पे मैं प्लेन गोल्ड कलर लगा दूँगी, ये मोती वाली नहीं लगाऊँगी। और देखिए कुछ मैंने ये मोती लिए हैं जो कि हमने ये डिजाइन बनाई है, इस डिजाइन में हम मोती लगाएंगे। तो देखिए मैंने सेम जो हमारा ब्लाउज का कलर है वो कलर का धागा ले लिया है, और नेडल को हम नीचे से निकाल लेते हैं फ्रिल के बीचों बीच में से। निकालने के बाद अभी देखिए जो ये फ्रिल है इस तरह से इस पार्ट को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इस पार्ट को यहाँ पर, तो दोनों पार्टों के बीचों में से हम इस तरह से किनारे से एक सिलाई निकाल लेते हैं। देखिए ये जो शेप आएगी इस तरह की एक शेप बन जाएगी, और यहाँ पे हम मोती लगा देते हैं। मोती लगा के यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। देखिए इस तरह से अब धागे को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और मोती को अच्छे से टाइट कर दें। देखिए मोती हमारा टाइट हो चुका है। अभी सेम धागे को ही हम नीचे की तरफ फिर से निकालेंगे बीचों बीच। देखिए ये निकाल लिया, और फिर से हम सेम डिजाइन इसी तरह से यहाँ पर भी बना देते हैं। देखिए तो ये डिज़ाइन इस तरह से आएगी, सेम यहाँ पे भी मोती लगा दूँगी। इसी तरह मैं ये सारी डिज़ाइन तैयार कर लेती हूँ। देखिए सारे मोती मैंने इस तरह से अटैच कर दिए, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी ये दोनों साइडों में लेस आ रही है। देखिए यह नेक में भी आ रही है, और एक मैंने ये पैच लिया है जो कि आप इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस पैच को हम यहाँ पे सेंटर में नीचे के नेक में यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।